भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है एक के सिवाय। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है। लोकसभा चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद की आजमाइश का दौर जारी है। कभी जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं तो कभी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और अंदर खाने वोटों में सेंधमारी की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। मगर कई बार विरोधियों को हुड़की देने के लिए कुछ बातें सामने से भी कही जाती हैं, जैसा हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। इंडिया गठबंधन की अपनी शर्तों पर यूपी में अगुवाई करने वाले अखिलेश यादव ने बीजेपी की बड़ी रणनीति के खुलासे का दावा पेश किया है। सपा प्रमुख ने अपने बयान में कहा है कि अभी अभी उन्हें जानकारी मिली है कि भाजपा अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है और उनके एक सांसद हैं, वो तो सीट बदलने की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां बीजेपी को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में और 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और महंगाई कम नहीं हुए, उन्होंने जो जो वादे किए थे सब अधूरे हैं। डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब अखिलेश यादव की बीजेपी के सांसदों के टिकट काटे जाने वाली बातों में कितना दम है ये तो वही जानते हैं, मगर चुनाव से पहले छोड़े गए अखिलेश यादव के इस नए शगुफे ने राजनीतिक गलियारों में शोर मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अभी बीजेपी की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है, मगर ये तो तय है कि जैसे जैसे चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है सभी राजनेता नए नए तरीकों से अपने विरोधियों को पटकनी देने की तैयारी तेज कर चुके हैं।